हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लाई है। आखिरकार नीट 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कब जारी होना है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, और जो आपका नीट 2021 का एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट फाइनल क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी, एग्जाम कैंसिल होगा, या फिर जो तय डेट है उसी पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये पूरा डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में गैज, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर। हेड स्टार्ट नीट 2023 के लिए 5 प्रीसियस डेज ऑफ 15 टॉप एजुकेटर्स, 15 टॉप सेशंस रहेंगे, जो कि 28 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है, और इनरोलमेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। नेक्स्ट आपका पाथ फाइंडर्स अर्ली बर्ड मॉक टेस्ट फॉर नीट 2023 के लिए 3 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग 6 to 9 PM, और इनरोलमेंट इस टेस्ट के लिए भी आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। जिन भी स्टूडेंट्स का ड्रीम है नीट यूजी का एग्जाम क्रैक करना और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अनअकैडमी के थ्रू हेल्प की जा रही है लोन प्रोवाइड करवा के फॉर नीट 2022 एंड 2023 एस्पायरेंट्स के लिए। साथ में गाइस, लिमिटेड टाइम ऑफर दिया गया है नीट यूजी एस्पायरेंट्स के लिए। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी आइकोनिक और पाइए अनअकैडमी स्टडी नोट्स, जो कि आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाएंगे। ऑफर वैलिड रहेगा 21 जून से 30 तक, आपका ऑफर वैलिड रहने वाला है। कॉम्बो सेल आपका नीट यूजी प्लस सीबीएसई के लिए लाया गया है, आज ही खरीदिए 1 ईयर सब्सक्रिप्शन नीट यूजी प्लस सीबीएसई और पाइए 10% रेफरल डिस्काउंट, जो कि प्रिया 2010 कोड यूज करने से आपको मिलेगा। एडिशनल 50% ऑफ आपको मिलेगा, प्लस 2 मंथ्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। साथ में गाइस, यदि आप खरीदते हैं 2 ईयर सब्सक्रिप्शन नीट यूजी प्लस सीबीएसई तो आपको मिलेगा 10% रेफरल डिस्काउंट, एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा और 3 मंथ्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। बम्पर ऑफर भी निकाला गया है नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए, 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर पाइए 1 मंथ का एक्सटेंशन फ्री, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 2 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर पाइए 3 मंथ्स का एक्सटेंशन फ्री। ये ऑफर एक्सटेंड किया गया है स्टूडेंट्स की पॉपुलर डिमांड की वजह से। नेक्स्ट आपका नीट 2021 के लिए न्यू क्रैश कोर्स के लिए आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑल स्टार बैच, वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी, 23 जून से आपका यह स्टार्ट हो रहा है। नीट यूजी के लिए जो न्यू बैचेज आपके स्टार्ट हुए हैं वो नीट यूजी 2021 को टारगेट बनाकर क्रैश कोर्स बायोलॉजी का स्टार्ट किया गया, और नीट यूजी 2022 के लिए समर्पण बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, नीट यूजी 2023 के लिए मंजिल बैच और पायोनियर बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ में गाइस, अन अकेडमिक कॉम्बैट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है, इस टेस्ट के थ्रू आपको मौका मिलेगा 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का। एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, और आप लोगों के लिए ये टेस्ट बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए प्रिया 2010 कोड यूज करना है, ताकि जो आपका टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाए। और इस टेस्ट के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक 1 to रैंक 3 आएगा उनको 1 ईयर नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रैंक 4 to 10 वाले स्टूडेंट को 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, 11 to 50 वाले स्टूडेंट को 50% स्कॉलरशिप, एंड रैंक 51 to 150 वाले स्टूडेंट्स को 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ में गाइस, यदि आप कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं अन अकेडमी का, तो प्रिया 2010 कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और यदि आप अन अकेडमी का कोई भी फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रिया 2010 कोड से फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं नीट 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में, क्योंकि जो नीट की एग्ज़ाम डेट है वो तय डेट 1 अगस्त बोला गया था कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन यदि 1 अगस्त का माना जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म अब तक रिलीज हो जाने चाहिए थे, फॉर्म फिल किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तक एप्लीकेशन फॉर्म ही रिलीज नहीं किए गए, और जब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुआ तो स्टूडेंट्स ने RTI डाली, और RTI का रिप्लाई भी एंड
NTA के थ्रू आया और रिप्लाई भी यही आया कि अगर जो एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त को जो तय डेट है उसी पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो गाइस क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अगर मैं तमिलनाडु के जो CM हैं उनकी बात करूँ, M.K. Stalin जी, तो उनने भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है नीट का एग्ज़ाम उनने कैंसिल करवाने की ही रिक्वेस्ट की कि एग्ज़ाम को ही कैंसिल करवा दिया जाए। तो उनका जो उनने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन वहाँ से कोई उनका रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उनने बोला था कि वो मिलेंगे और मिलने के बाद ये डिस्कशन करने वाले हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो उनकी पर्टिकुलर स्टेट तमिलनाडु के लिए ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि नीट 2021 का जो एग्ज़ाम है क्या पॉसिबल है कि 1 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाए। तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है गाइस कि नीट का एग्ज़ाम 1 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाए। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जो नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब जारी होना है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो देखिए NTA नीट UG 2021 एप्लीकेशन फॉर्म परीक्षा सितंबर तक स्थगित की जा सकती है। ऐसे में एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई अंत तक जारी हो सकते हैं। तो गाइस जुलाई स्टार्टिंग में नहीं, जुलाई एंड तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 1 अगस्त को तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाए। इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जा रही है, ठीक है। तो अभी जो कोरोना की सिचुएशन बनी हुई थी उसके लिए रिव्यू चल रहा है। तो देखिए लास्ट जो रहेगा डिसीजन वो क्या रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट यही है कि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा, 1 अगस्त को तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जाम सितंबर तक स्थगित किया जा सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जुलाई में जारी हो सकते हैं। जून तो वैसे ही ऑलमोस्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो यही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जुलाई में ही आपके रिलीज हो। NTA नीट UG 2021 एप्लीकेशन फॉर्म मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए जरूरी नीट 2021 परीक्षा पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। NTA द्वारा जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित की जानी है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म मई में जारी किए जाने थे। उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक जारी नहीं किए गए हैं और न ही इसकी कोई डेट की जानकारी दी गई है। एजेंसी के अनुसार परीक्षा सितंबर तक स्थगित की जा सकती है। ऐसे में एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई अंत तक जारी हो सकते हैं। इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होते ही एग्जाम डेट की ऑफिशियल घोषणा कर दी जाएगी। तो बहुत जल्द जो एग्जाम डेट है उसकी भी ऑफिशियल घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, उस 1 मंथ के गैप में आप फॉर्म को फिल करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है, नीट परीक्षा के लिए नई वेबसाइट भी पिछले माह लॉन्च की है। तो न्यू वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। हाँ, जो पिछले मंथ लॉन्च की है वो आपने देखा होगा, जो पोर्टल है 2021 का पोर्टल आपको सामने दिख रहा होगा, क्योंकि पहले 2021 आज अगर आप ओल्ड देखेंगे तो वहाँ 2020 का देखेंगे, ठीक है। तो न्यू जो पोर्टल है वो लॉन्च हो चुका है। उम्मीदवारों को एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म और अन्य सभी जानकारियाँ नई आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर ही मिलेगी। NTA JEE मेंस परीक्षा के बाकी 2 सेशंस भी जुलाई और अगस्त में आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। कोई भी आधिकारिक घोषणा NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही की जाएगी। तो कोई भी जो भी ऑफिशियल न्यूज़ होगी गाइस, सबसे पहले ऑफिशियल न्यूज़ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। सोशल मीडिया पर जो आपको न्यूज़ मिलती है वो वही ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती है। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आता है नीट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सबसे पहले अपडेट आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। छोटे से छोटा पॉइंट नीट के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको उनसे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर जरूर अवेलेबल मिलेगी। फिर भी गाइस यदि आपको कोई
डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीट का एग्ज़ाम 1 अगस्त को नहीं होने वाला है, नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और ये सेप्टेम्बर मंथ तक जाने वाला है। सेप्टेम्बर के एंड तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब तक यही माना जा रहा है, सोर्सेज के थ्रू जो पता चला है वो यही पता चला है। जैसे ही कोई नई न्यूज आती है सबसे पहले आपको अवेलेबल मिलेगी वो मेरे चैनल के ऊपर। ओके, थैंक यू गाइस।